तो आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की फेमस पूरणपोली रेसिपी के बारे में। अगर ट्रेडिशनल तरीके की बात करेंगे जिसमें दाल को आपको भिगोना पड़ता है, फिर आप उसको प्रेशर कुक करते हैं, गुड़ के साथ पकाते हैं, फिर कोई छन्नी हो या फिर तो पूरन यंत्र जो होता है, पूरन मशीन, जिसके द्वारे एक स्मूथ सा पूरन आपको मिल जाता है। ये तरीका ट्रेडिशनल है लेकिन थोड़ा सा लेंदी सा हो जाता है और इसी कारण की वजह से लोग पूरणपोली बनाना थोड़ा सा टाल देते हैं या जो बिगिनर हैं उन्हें थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो आज की हमारी इस रेसिपी में हम यही जानेंगे कि आखिर इसका इंस्टेंट तरीका क्या हो सकता है। तो आई होप आपको ये तरीका अच्छा लगे, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को समझते हुए देखिएगा। तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले हम डो लगाकर तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पर एक परात ली है और इस कटोरी से नाप कर मैं 2 कटोरी जितना गेहूं का आटा ले रही हूँ। नॉर्मली हम चपाती बनाने के लिए जो यूज करते हैं वही है। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आउटर कवर में नमक होना चाहिए, तो ये नमक हमने यहाँ मिला दिया। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच जितना देसी घी। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बटर यूज़ मत कीजिएगा। कुछ लोग थोड़ी सी हल्दी डालकर बनाते हैं, कुछ लोग हल्दी नहीं डालते, बट मुझे स्पेशली पूरणपोली का हल्का येलो कलर अच्छा लगता है, इसलिए मैंने बिल्कुल ही ज़रा सी हल्दी डाली है। ज़्यादा ना डाले, जस्ट 2 चुटकी जितनी। पहले इन चीज़ों को सूखा मिक्स कर लीजिए और फिर पानी डालकर, नॉर्मल पानी है ये पानी डालकर, हमें इसका बिल्कुल सॉफ्ट सा डो लगाना है। कई बार जब भी हम चपाती या फुल्का या पराठे के लिए डो लगाते हैं उसमें हम ज़्यादा मेहनत नहीं लेते, बस डो लगाकर छोड़ देते हैं, लेकिन जब भी आपको पूरणपोली बनानी है और आप चाहते हैं कि वो कहीं से भी फटे नहीं, बहुत आसानी से आप उसको बेल पाओ पूरन भरने के बाद भी, तो आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसको लगाने के बाद मसल मसल के इसमें ऐसी लचक ला देनी है कि आटा बिल्कुल बाउंसी सा हो जाए। बाउंसी से मेरा मतलब है, ये देखिए आटा बिल्कुल सॉफ्ट मैंने लगा के रख लिया है, और ये देखिए अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये एकदम चिकना डो है जिसको रगड़ कर मैंने इसमें काफ़ी अच्छे से लोच लगा कर रख ली है। और पूरणपोली बनाते टाइम पहले डो लगा कर रख दिया जाता है ताकि उसको थोड़ा समय मिल सके सेट होने के लिए, वो बिल्कुल ही स्मूथ और एकदम सॉफ्ट हो जाता है। तो ये टिप आप ध्यान रखें। मैं इसे बाजू में रखती हूँ और अब बात कर लेते हैं पूरन की। अब मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई रखी है, इसमें 2 छोटे चम्मच जितना मैं घी ले रही हूँ। जिस कटोरी से हमने गेहूं का आटा नापा था उसी कटोरी से नाप कर 1 कटोरी जितना मैं बेसन ले रही हूँ। जी हाँ, हम इस रेसिपी में बेसन का इस्तेमाल करेंगे। बेसन ये वही है जो हम पकौड़े बनाने में इस्तेमाल करते हैं, भजिया जिससे बनाते हैं, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ ये बेसन है। इसे हमने भूनना है बिल्कुल लो फ्लेम करके, जल्दबाजी आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये हम पूरणपोली बनाने का इंस्टेंट तरीका देख रहे हैं जिसमें हमने बेसन का इस्तेमाल किया है, और हम ये चाहते हैं कि किसी को पता ना चले कि आखिर ये मेथड थी कैसी। और वही टेस्ट लाने के लिए बेसन की भुनाई प्रॉपर तरीके से होना बेहद ज़रूरी है। जब तक ये बेसन भून रहा है हम एक काम करेंगे, मैंने यहाँ पर एक बर्तन लिया है जिसमें उसी कटोरी से नाप कर 2 कटोरी जितना पानी हम गैस की दूसरी तरफ गर्म होने के लिए रख देंगे। और बेसन को आपको बिल्कुल सूखा सूखा भुनना है, इसमें ज़्यादा घी का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पानी गर्म हो रहा है और यहाँ बेसन भी बहुत अच्छे से भून चुका है, और अब इसमें हम डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा पानी। धीरे धीरे करके डालना है क्योंकि गर्म बेसन पानी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। मैंने थोड़ा पानी डाल दिया और तुरंत इसमें 1/2 कटोरी जितना गुड़ भी डाल दिया साथ साथ, क्योंकि गुड़ भी मेल्ट होगा, गुड़ का भी अपना पानी निकलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरी रेसिपी सिर्फ और सिर्फ गुड़ का इस्तेमाल करके बनाना चाहते हैं तो आपको 1 कटोरी गुड़ लेना होगा, मतलब जितना आप बेसन लेते हैं उतना ही आपको गुड़ लेना है। या फिर अगर कुछ लोग गुड़ इस्तेमाल नहीं करना चाहते, चीनी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो जितना आप बेसन ले रहे 1 कटोरी जितना, उतनी ही आपको चीनी भी लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर ट्रेडिशनल वे से हम देखें तो पूरणपोली गुड़ के साथ ही बनती है, इसलिए हमने गुड़ यहाँ पर डाल दिया। फ्रेंड्स, जैसा आप साइड में देख रहे हैं, अगर इस मिक्सर में लम्स पड़ जाए तो उन्हें हटाने के लिए देखिए पूरन की ऐसी छन्नी आती है, इसके ऊपर ये बहुत इजीली स्लाइड हो जाएगा क्योंकि इसमें दाल का दाना है ही नहीं। अगर लम्स पड़ते भी है तो बहुत छोटे छोटे पड़ेंगे और बहुत आसानी से ये इसके ऊपर से स्लाइड हो जाएगा और चिकना सा पूरन आपके पास बन करके तैयार हो जाएगा। ऐसी कोई सुविधा नहीं है, कोई पूरन मशीन नहीं है, ऐसी छन्नी भी नहीं है, तो आप इसको मिक्सी में भी चला सकते हैं और दोबारा से पैन में लेकर उसको फिर से पकाना शुरू कर देना है। अब कब तक पकाना है ये आप आगे वीडियो में देखिए। और अब ये दोबारा से मैं इसके अंदर गर्म पानी डाल रही हूँ। मैंने इस रेसिपी में सिर्फ 1/2 कटोरी जितना गुड़ इस्तेमाल किया और मैं 1/2 कटोरी चीनी इस्तेमाल करी हूँ, मतलब मैंने दोनों को 1/2 करके यूज़ किया है। अब आखिर मैंने ऐसा क्यों किया?
आपने अगर आप हमेशा पूरन पोली बनाते तो आपने देखा होगा कि पूरन पोली जब ठंडी हो जाती है 2-3 घंटे बाद उसके अंदर का पूरन सूखा पड़ जाता है और मतलब वो पूरन पोली से नीचे निकल जाता है, सूखा हो जाता है। और इसी को टालने के लिए पूरन सूखे ना, उसमें मॉइस्चर बना रहे, इसलिए मैंने गुड़ को आधा करके बाकी बची चीनी का इस्तेमाल कर लिया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से मिल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जितनी इलायची का पाउडर। इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। मैंने ये पूरन बनाने की विधि को बिल्कुल डिटेल तरीके से आपको दिखाया है, ज़्यादा कट्स मैंने इसके अंदर नहीं लिए हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ कि इसमें कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं। और अभी देखकर ये आपको बिल्कुल पतला लग रहा होगा, पूरन को किस तरीके से पकाया जाता है मैं आपको बताती हूँ। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको और थोड़ी देर के लिए हम इसी कढ़ाई में थोड़ा चलाते रहेंगे, बस 2-3 मिनट और लगेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अगर हम चम्मच को ऐसे सीधा रखेंगे तो ये गिर जा रहा है। ये एक ट्रिक है पूरन अच्छे से हुआ है या नहीं ये चेक करने की। तो इस समय आप गैस की फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं ताकि इसमें जो ये गीलापन है वो जल्दी जल्दी रिड्यूस हो। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अभी आप देखेंगे कि ये कढ़ाई के साइड्स को भी छोड़ रहा है। और अगर मैं ऐसे चम्मच यहाँ पे खड़ा करूँ तो ये देखिए चम्मच सीधा खड़ा हो चुका है। जब ऐसी स्टेज आ जाए इसका मतलब जो पूरन आपने बनाया है वो बिल्कुल सही है। और इसी तरीके से जो हम ट्रेडिशनल तरीके से पूरन बनाते हैं ना, उसको भी ऐसे ही चेक किया जाता है। तो अब हम इसे ढक देंगे और ऐसे ही बाजू में रख देते हैं। अब यहाँ देखिए डो जो हमने लगाया था वो काफ़ी अच्छे से सेट हो चुका है। और यहाँ देखिए ये बना है हमारा इंस्टेंट तरीके का पूरन। देख के कोई पहचान नहीं पाएगा कि इसको हमने ऐसे बनाया। थोड़ा सा मैंने हाथों को घी लगाया है। हम पूरन के गोले बनाकर तैयार कर लेंगे, जितना आपको रोटी में मतलब पूरन पोली में भरना है उस हिसाब से। ये देखिए बहुत ही शानदार पूरन बन करके हमारा तैयार है। और अब मैं एक लोई भी आपको बताती हूँ। ये देखिए लोई हमने ली है, एक आटा एक तरफ है, एक तरफ पूरन है। ज़्यादा से ज़्यादा पूरन आप इसमें भर पाएंगे और ये बहुत स्मूथ इसका टेक्स्चर है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि करना क्या है। ये जो हमने सूखी लोई ली है उसको थोड़ा सा सूखे आटे में डस्ट करके हम थोड़ा स्प्रेड कर लेंगे, जैसे हम कोई पराठा भरने के लिए जगह कर लेते हैं अंदर की ओर, कैविटी बनाते हैं, बस वैसे बनाना है। ये पूरन का गोला आपको इसके अंदर रखना है। काफ़ी अच्छे मात्रा में अमाउंट में मैं इसमें पूरन भर रही हूँ, तभी ये नहीं फटेगी, आप देखना आगे। तो इसको अभी हम सब तरफ से सील करेंगे। देखिए हमारी पूरन पोली बिल्कुल भी नहीं फटेगी, ये बेलने से पहले ही मैंने आपको इसलिए बता दिया है, क्योंकि देखिए जितना सॉफ्ट हमारा पूरन है उतना ही सॉफ्ट हमारा डो है। मतलब दोनों की कंसिस्टेंसी जब बिल्कुल एक जैसी होती है ये पूरन पोली के अंदर बहुत अच्छे से स्प्रेड हो पाता है, और इसी वजह से पूरन पोली बिना फटे आप आसानी से बेल पाते हो। आपने देखा कि मैंने पूरन के ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डाल दिया। ऐसा इसलिए डाला क्योंकि जब भी हम पूरन को पूरन पोली के अंदर भरते हैं वो बार बार हाथों को चिपकता है, और ऐसा ना हो इसलिए सूखा आटा डालकर आप अगर आप इसको ऐसे बंद करेंगे तो बहुत इजीली इसको सील कर पाएंगे, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। ये ट्रिक आप अपनी ट्रेडिशनल पूरन पोली के दौरान भी यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। और इसे मैंने सील कर लिया है। एक्स्ट्रा डो अगर आपको लगे तो उसको निकाल दीजिए। अब इसको थोड़ा आप फ्लैट कर लीजिए सूखे आटे में डस्ट करके। पहले हाथ से हम थोड़ा सा इसको फैला लेंगे और फिर पूरन पोली आप जब भी बेले उसको दोनों तरफ से अलट्टे पलट्टे हुए ही बेला जाता है, एक साइड से ना बेले, वरना एक साइड मोटी और एक साइड पतली ऐसा हो जाएगा। तो लीजिए ये बेल कर तैयार है। आप पूरन देख सकते हैं कि पूरा रोटी में अच्छे से फैल चुका है। अब इसे सेकना कैसे? तवा मैंने बहुत अच्छा गर्म कर लिया है। ये रोटी हम इसके ऊपर डाल देंगे। जब इसके ऊपर हल्के बबल्स आ जाए आप आराम से इसको पलट दीजिए, फिर दूसरी तरफ से थोड़ा सा इसको सेकने दीजिए। तो ये दूसरी तरफ से भी जब थोड़ी सी सीख जाए तब हम घी डालना शुरू करेंगे। और आप जैसे ही घी डालेंगे आप देखेंगे कि ये गुब्बारे की तरह फूलेगी। तो लीजिए फ्रेंड्स, बिल्कुल बेहतर सी पूरन पोली बनकर तैयार है। और यकीन माने जब मैंने ये पूरन पोली बनाई इस तरीके से जैसे बनाई, घर में सबको खिलाई, और राय बाद में जब पूछी, किसी को मैंने नहीं बताया कि इसको बनाया कैसे है, सबको ये बहुत पसंद आई, सबको ये उसी तरीके से मिलती जुलती लगी जैसे हम ट्रेडिशनल तरीके से बनाते हैं। तो मैंने सोचा कि ये रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर की जाए, जिससे आपका समय भी बचेगा और आप जब चीज चाहे पूरन पोली बना सकते हैं। अगर आप खुद एक बिगिनर हैं तब भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो लीजिए फ्रेंड्स, सारी पूरन पोली बनकर तैयार है। देखिए कितनी नरम और मुलायम बनी है और स्वाद में तो इतनी बेहतर लगती है कि किसी को विश्वास नहीं होगा।
सिर्फ कुछ बेसिक टिप्स का ही तो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि जब हमने बेसन भुना, उसको बिल्कुल ही ध्यान से आपने भुनना है, जल्दबाजी नहीं करनी। जब तक कि वो अच्छी खुशबू नहीं आती तब तक आपको भूनते रहना है। बेसन, गुड़ और पानी, इनका रेशियो बिल्कुल ध्यान से यूज़ कीजिएगा। पूरन पोली मीठी ही ज़्यादा अच्छी लगती है, वैसे चॉइस आपकी है, लेकिन रेशियो को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे, इसको ठीक तरीके से पकाएंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जैसे मैंने आपको डो लगाने के लिए कहा है कि डो की सॉफ्टनेस कैसी होनी चाहिए या पूरन की कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए, अगर इन सारी बातों का तालमेल बिल्कुल परफेक्टली बिठा लेते हो तो बिना फटे गुब्बारे जैसी फूलने वाली पूरन पोली आप आसानी से बना पाओगे। सो आई होप आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।